चौधरी जी ने कहा कि ये शुरू से साहब के लिए एकदम दुदई बारी एक तरफा रहा है। वन जिला जो है वहाँ पर कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं होती, लगता है सब मेरा घर है, सारे लोग मेरे परिवार हैं। और ये परिवार और समय क्यों मिला, साहब को गए हुए 20 साल हो गए हम लोगों के बीच से। वो जेल गए 2003 में, तीन के बाद से बहुत विपरीत परिस्थिति आई और गई, 2, 4, 10, 20, 50 दिन के लिए कभी मुलाकात हो गई। उसके बाद वो 2021 में वो हमेशा के लिए चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी और सिवान से निर्दलीय उम्मीदवार हिना शहाब चुनाव को लेकर लगातार जनता के बीच जा रही हैं, लोगों से अपील कर रही हैं कि उन्हें अपना आशीर्वाद दे, उन्हें मतदान करें। इसी बीच एक बार फिर से वो जनता के समक्ष गई थी और जहां उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ की और इस दौरान वो अपने पति शहाबुद्दीन को भी याद किया और उन्होंने क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में सुनिए। सम्राट चौधरी जी ने कहा कि ये शुरू से साहब के लिए एकदम दुदई बारी एक तरफा रहा है हमेशा से, और इस बार भी हमेशा की तरह एक तरफा रहेगा। तो मैं धन्य हूँ कि जहाँ पर ऐसे बड़े बड़े लोग, ऐसे सिद्धांतवादी लोग रहते हैं जो अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किए, आने जाने वाले लोगों पे कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं बहुत किस्मत की धनी हूँ कि मैं डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब की धर्म पत्नी और इस बार बेटी और बहू। शायद मेरे नसीब में ये दिन लिखा हुआ था कि सभी के स्नेह प्रेम से उनके जाने के बाद भी लगातार मुझे जिंदा रखा जाएगा, इस स्नेह प्रेम को बरकरार रखा जाएगा ताकि मैं जिंदा रहूं। और जिस भावनाओं से उन्होंने अपने घर से बाहर निकाला, सेवा भाव से मैं उस सेवा में हमेशा तत्पर रहूं, हर किसी के द्वार पे जाऊं और उनके मान सम्मान मिले और मुझे भी बराबर और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सभी को मान सम्मान के साथ अपने परिवार को मिलाकर चलना है। ये सिवान मेरा परिवार है, मैंने कहा था मैं हम लोग 2-3 महीना पहले ही मुखिया जी के द्वार पर गड़ाड़ गए हुए थे, कोई चुनाव का मामला नहीं था। अचानक से मीडिया वालों ने कर दिया कि अभी मैडम आप क्या कुछ कहिएगा चुनाव के बारे में, चुनाव के बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सिवान का हर कलर का झंडा, हर रंग हमारा है। इसलिए मुझे सिवान जिला जो है वहाँ पर कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं होती, लगता है सब मेरा घर है, सारे लोग मेरे परिवार हैं। और ये परिवार और समय क्यों मिला, साहब को गए हुए 20 साल हो गए हम लोगों के बीच से। वो जेल गए 2003 में, तीन के बाद से बहुत विपरीत परिस्थिति आई और गई, 2, 4, 10, 20, 50 दिन के लिए कभी मुलाकात हो गई। उसके बाद वो 2021 में वो हमेशा के लिए चले गए, लेकिन आप सब लोग जब मेरे द्वार पे जाते हैं तो लगता है कि साहब हैं, आप सब के स्नेह प्रेम में वो दिखते हैं तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। मैं इसी ताकत के साथ आप लोगों के बीच में आज खड़ी हूँ और कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग हर लड़ाई को जीतने की कोशिश करेंगे और सबके मान सम्मान की हम लोग रक्षा करने की कोशिश करेंगे। तो आपने सुना सिवान से निर्दलीय उम्मीदवार हिना शहाब को, जो पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी है और इस बार वो सिवान से निर्दलीय चुनावी मैदान में है और इसको लेकर वो जनता के बीच गई थी, जनता से ये अपील कर रही है कि उन पर भरोसा जताए, उनको अपना आशीर्वाद दे। और इस दौरान उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि मैं खुद को किस्मत की धनी मानती हूँ कि मैं डॉक्टर शहाबुद्दीन साहेब की पत्नी और आपकी बेटी और बहू हूँ। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।